ऋषि मार्किंडेश्वर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में विश्व किडनी दिवस के लेकर एक पहल की गई और लोगों को फ्री किडनी चेकअप दिया गया। इस दौरान हॉस्पिटल की ओपीडी में लोगों की भीड़ देखी गई। महर्षि मार्किंडेश्वर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में विश्व किडनी दिवस मनाया गया और लोगों को किडनी की बीमारियों को लेकर जागरूक किया गया। इस दौरान जो भी यहां पहुंचा, उनका किडनी का फ्री चेकअप किया गया। लोगों का चेकअप करने के लिए यहां पर बेहतरीन एमएम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम मौजूद थी। हमने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें हम फ्री चेकअप करेंगे लोगों का डिटेक्ट करने के लिए। क्रॉनिक किडनी डिजीज है उनमें, लोग तो गुम फिर रहे हैं, उनको पता नहीं उनको नुक्स है कि नहीं है। 33% लोगों को हाइपरटेंशन है, कितनों को शुगर की बीमारी है पता नहीं है, वही हम डिटेक्ट करने के लिए चाहते हैं। नॉर्मल सो कॉल नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को पता लगे कि उनको कोई नुक्स है कि नहीं है। हम लोग गुर्दे की जांच कर रहे हैं, उसमें कंसल्टेशन हमारा पूरा टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं जो गुर्दे से रिलेटेड जितनी और बीमारियां हैं जिसमें मधुमेह है, इनसे संबंधित जानकारी देंगे। उसके अलावा जो पेशेंट्स यहां आ रहे हैं, जो मरीज अपना जाँच कराना चाहते हैं, वो हम निःशुल्क कर रहे हैं। तो पहले उनकी कंसल्टेशन होगी, उसके बाद उनके वो टेस्ट होंगे। इस इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाते हुए एमएम सुपर स्पेशलिटी चाहता है कि लोगों में इस बात की जागरूकता फैलाई जाए कि ऑर्गन डोनेशन को किस तरह से और बढ़ाया जा सकता है। महर्षि मार्किंडेश्वर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इस दौरान सिर्फ किडनी चेकअप ही नहीं बल्कि यहां पहुंचे लोगों को अंग दान के लिए भी जागरूक किया गया। तो बेसिकली हमारा जो एक मैंडेट है वो है कि लोगों को जागरूकता फैलाना। आप देखिए, अगर हम स्टैट्स के हिसाब से जाएं तो देश में 2 लाख लोगों को किडनी की आवश्यकता है। जिस हिसाब से ये किडनी रीनल फेलियर फैल रहा है उसके अगेंस्ट सिर्फ 6,000 लोग हैं जिनको किडनी मिल पाती है। तो हम लोग इस काउंटर के ज़रिए, इस मुहिम के ज़रिए लोगों को ये जागरूक कराना चाह रहे हैं कि वो इस दुनिया से जाने के बाद भी अपने अंगों का दान करके लोगों का जीवन बचा सकते हैं। हमारी ये गुजारिश है कि आप कम से कम और कुछ नहीं तो हमारे काउंटर पे आएं, अंग दान के लिए प्लेज फॉर्म भरें और अपने साथ साथ लोगों को भी जानकारी अपने परिवार के साथ साझा करें ताकि कम से कम समाज में ये धारणा बदले और लोगों को पता हो कि अंग दान के जरिए हम दूसरों की जान बचा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ लोगों को मशीनों के जरिए ये भी बताया गया कि डायलिसिस कैसे होता है और इंटरैक्टिव सेशन का भी आयोजन किया गया जिसमें लोगों को किडनी की बीमारियों को लेकर जागरूक किया गया। डायलिसिस क्या होता है, क्योंकि अक्सर जब भी डायलिसिस का नाम आता है जो आम लोग हैं, जो मरीज हैं, उनमें एक डर का माहौल पैदा हो जाता है क्योंकि डायलिसिस कैसा होता है, क्या होता है, ये पूरे कार्यक्रम में हम आपको बताते ही रहेंगे। लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी कुछ आपके सामने जो कि आपको आसानी से समझा दे, तो सीधा हम बात करते हैं केएल गुप्ता जी से जो कि यहाँ पर सीनियर डॉक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। तो डायलिसिस के बारे में क्योंकि हम जान रहे हैं एमएम हॉस्पिटल में, सबसे पहले आपसे जानते हैं कि डायलिसिस को लेकर लोगों के दिमाग में डर आ जाता है, क्या उन्हें डरने की ज़रूरत है? कोई भी अगर बीमारी है उसका इलाज होता है। आप समझिए कि किडनी फेल होने का एक तो अच्छी तरीका है कि डायलिसिस एक अवेलेबल है। आज से सोचो 50 साल पहले डायलिसिस फैसिलिटी नहीं थी तो सब लोग कहाँ जाते थे। ये एक शुक्रगुजार है विलियम कोल्फ का जिसने किडनी बनाई और उसके बाद जो वास्कुलर एक्सेस बनाने वाले बनाया, फिसला बनाया और पेशेंट बनाया। अब तो डायलिसिस इतना अच्छा हो गया है कि लोगों को पता ही नहीं है। नॉर्मली डायलिसिस कराते हैं, ऑफिस अटेंड करते हैं बॉम्बे पुणे में लोग, उनको हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करना पड़ता है, आराम से वो शाम को आके ऑफिस करके अटेंड करते हैं। तो एक जो रिप्लेसमेंट किडनी फंक्शन का है ऑल्टरनेटिव हमें मिल गया है। इन तमाम सुविधाओं से यहां पहुंचे लोग भी काफी खुश नजर आए और उन्होंने जमकर इस पहल की तारीफ की। यहां मैं किडनी दिखाने आया हूं। जो किडनी को लेकर यहां पर चेकअप हो रहा है पूरे तरीके से फ्री हो रहा है, हालांकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, आप वहां पे जाएंगे तो वहां पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, कम से कम हज़ारों में खर्चा आता है। तो आप खुश हैं जो ये पहल की गई है हॉस्पिटल की ओर से? नहीं, यहां कोई खर्चा नहीं है। तो आज आप यहां पर क्यों आई हैं? जी कल मैं दवाई लेने आई थी, मैं भर्ती रही थी एडमिट के लिए, तो मैंने ये मिला था तो ये 3 मरीज लेके आई मैं साथ में। हाँ, ये अखबार में पोस्टर दिए गए थे इसके तो चलो। जी,
तो आज किडनी दिवस है, किडनी दिवस को लेकर आप कितनी जागरूक हैं, क्या कुछ आप अपनी किडनी के लिए करते हैं या फिर आज इस भरोसे आई है कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स बताएंगे वो करेंगे? बिल्कुल, जो डॉक्टर बताएंगे वो करेंगे जी, इसी बेस पे आई है। महर्षि मार्कंडेश्वर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल समय समय पर ऐसे कदम उठाता रहता है जिससे लोगों को फायदा हो। शायद यही कारण है कि महर्षि मार्कंडेश्वर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। खबरें अभी तक के लिए मुलाना से दीपशिखा भारद्वाज की रिपोर्ट।